आसमान में आपने चांद के साथ वीनस को अक्सर देखा होगा, लेकिन 28 मार्च को एक बेहद खूबसूरत नजारा आपको आसमान में देखने को मिलेगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 प्लैनेट एक कतार में आप देख सकेंगे। नासा के मुताबिक बृहस्पति, बुध, शुक्र, यूरेनस और मंगल ग्रह आसमान में एक साथ दिखाई देने वाले हैं। इसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसे आप कैसे देख सकते हैं और फिर ये नज़ारा कब देखने को मिलेगा, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करते हैं। सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इनकी स्पीड, टाइम और रास्ता अलग होता है। ऐसे में इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन भी अलग बनता रहता है। जैसे कभी मंगल शुक्र एक सीध में दिखेंगे तो कभी 5 ग्रह। ऐसा एक अलाइनमेंट 28 मार्च को बनने जा रहा है, जिसमें पृथ्वी से पश्चिमी दिशा में देखने पर एक लाइन में 5 ग्रह आपको दिखाई देंगे। अब अगला सवाल कि क्या इसे सामान्य आंखों से देखा जा सकता है या कोई खास तरह के इक्विपमेंट की जरूरत है? इसका जवाब है हाँ, इसे सामान्य आंखों से आप देख सकते हैं। किसी तेज लाइट के सोर्स से दूर हटकर जब आप देखेंगे तो शायद बिना किसी इक्विपमेंट के आप कुछ ग्रहों को आसानी से देख सके। बृहस्पति, शुक्र और मंगल की चमक बहुत तेज होती है, इसलिए इन्हें आसानी से देखा भी जा सकता है। शुक्र आसमान में सबसे ज्यादा चमकीला रहेगा, लाल चमक के साथ मंगल चांद के पास दिखेगा। बुध और वरुण को ढूंढना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो थोड़े धुंधले होंगे, ऐसे में दूरबीन की आवश्यकता होगी। अगर वाकई आपको एस्ट्रोनॉमी में रुचि है तो आपके पास यूरेनस और शनि को देखने का भी एक शानदार मौका है, जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता। इसे आप वीनस के ठीक ऊपर देख सकते हैं। ऐसे प्लेनेटरी अलाइनमेंट अब कब देखने को मिलेंगे? 11 अप्रैल 2023 को, जब बुध, अरुण, शुक्र और मंगल साथ दिखेंगे। 24 अप्रैल 2023 को फिर से बुध, अरुण, शुक्र और मंगल का अलाइनमेंट आप साथ देख सकेंगे। 29 मई 2023 को, जब अरुण, बुध, बृहस्पति और शनि साथ में दिखेंगे। 17 जून 2023 को, जब बुध, अरुण, बृहस्पति, वरुण और शनि साथ साथ दिखेंगे।